स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण किताब के वचन पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन शब्द को हम बहुवचन कैसे करेंगे और हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, क्या दिए है, यहाँ पर एक लड़का पढ़ता है, तो लड़का है पुल्लिंग शब्द और एक वचन, लड़का पढ़ता है बालकटी पहुंची, लड़के पढ़ते हैं बालक मान्य पहुंचती, नदी बहती है नदी बहु अच्छी, नदियां बहती है नदी गुड़ी को बहु छंती, बहन आती है भौणी टी आसु अच्छी, बहने आती है भौणी माने आसु छंती। तो यहाँ पर लड़का है एक वचन, लड़के बहु वचन, नदी एक वचन, नदियां बहु वचन, बहन एक वचन, बहने बहु वचन है। तो इसी से हमें जानना है कि वचन का परिभाषा क्या है, यानी वचन किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर वचन किसे कहते हैं, ना शब्द के, ये जो शब्द है शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी वचन का परिभाषा कहते हैं। तो वचन दो प्रकार के हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, ना शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण बच्चों, लड़का घोड़ा केला किताब बच्चा कमरा, ये सब एक वचन एक को बोध करता है। तो बच्चों बहुवचन किसे कहते हैं, ना शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण, लड़का का बहुवचन कैसा है, लड़के घोड़ा घोड़े केला केले कमरा कमरे बच्चा बच्चे, तो कमरे ये बच्चे लड़के घोड़े ये सब बहुवचन। नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द अक्षर शेषे अ थी हर्षे थ्रीघय थर्ष थ्रीघ थी मात्रा थी आउ की मात्रा थे आम कौन कर एक वचन जहाँ अच्छी बहुवचन ता ही रन रखा पे पुलिंग शब्द एक वचन रे अर्षे दीर्घ अर्ष दीर्घ की मात्रा थे अक्षर शेषे की मात्रा थे बहुवचन है एक मान एक वचन जहाँ अच्छी बहुवचन ता ही रमी साधु साधु गुरु गुरु लड्डू लड्डू चाकू चाकू जो जो रेडियो रेडियो एक वचन जहाँ बहुवचन ता। नेक्स्ट देखा पाने स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन रे अच्छी देख जाति लड़की स्त्री नदी बकरी चिड़िया रीति, तो ये सब एक वचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, हम उसे बहुवचन में बच्चों यहाँ जोड़ेंगे, जाति जाति में यहाँ जोड़ेंगे जातियाँ बहुवचन, लड़की लड़की एक वचन लड़कियाँ बहुवचन, स्त्री स्त्रियाँ नदी नदियाँ बकरी बकरियाँ चिड़िया चिड़िया रीति रीतियाँ। तो पिता मैंने मन रखा आम स्त्रीलिंग शब्द एक वचन जाति देखो हर्षे की मात्रा अच्छी ताले हमें बहुवचन कला बेले हर्षे की मात्रा रखिकी ही या जोड़ा, जदि दीर्घ की मात्रा अच्छी ताहले हमें कौन करवा ना हर्षे की मात्रा करी या जोड़ा, ना ग्रामर पूरा पूरी भूल मन रख स्त्रीलिंग शब्द अक्षर शेषे हर्षे की मात्रा जदि अच्छी ताले बहुवचन कला बेले हमें हर्षे की मात्रा रखिकी या जोड़ा, जदि दीर्घ की मात्रा अच्छी ताहले हमें हर्षे की मात्रा करी ही या जोड़ा, मात्रा भूलने आमर ग्रामर पूरापूरी भूल। सेमती देख पे हिंदी हर्षे अच्छी ना आम हर्षे की रखिकी ही या जोड़ा, दीर्घ थी बकरी दीर्घ की मात्रा अच्छी आम हर्षे करी ही या जोड़ा। नेक्स्ट जीवा बच्चों नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है,
बच्चों इसका भी कुछ ट्रिक है, देखो गायब गायब है, उसके अंत में कुछ मात्रा नहीं है यानी ओ है, तो इसी में हम क्या करेंगे एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार देंगे। गाय का बहुवचन है गाये, बहुत उसमें भी कुछ मात्रा नहीं है, उसे हमें बहुवचन करने पर एक मात्रा से अनुस्वार जोड़ेंगे, तो बहने पुस्तक पुस्तकें, बालिका बालिकाएं, लता लताएं। बच्चों देखो ये लता स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में क्या है आठ मात्रा है, हम उसे बहुवचन करने पर एक मात्रा जोड़ेंगे। जैसे देखो लता लता के साथ ए जोड़ने से लताएं होगा, ये है बहुवचन शब्द। वस्तु वस्तु के साथ ए जोड़ेंगे वस्तु में, ऋतु ऋतु के साथ ए जोड़ेंगे ऋतु में, बहु बहु में। देखो बच्चों यहाँ पर बहु है ना, बहु यहाँ पर द्विगुण की मात्रा है, हम बहुवचन लिखते समय द्विगुण की मात्रा को ह्रस्व करेंगे और ए जोड़ेंगे, इसी से बहुवचन शब्द होगा। जैसे यहाँ पर है झाड़ू, झाड़ू के साथ हम बहुवचन करने पर द्विगुण की मात्रा के पास ह्रस्व की मात्रा लगाकर ए जोड़ेंगे, इसी से होगा स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन। तो बच्चों हमें याद रखना होगा कि स्त्रीलिंग शब्दर अक्षर शेषरे यदि किसी मात्रा नहीं ताले आम बहुवचन कलाबे एक ही मात्रा रे अनुस्वार दबा दबा। यदि स्त्रीलिंग शब्दर अक्षर शेषरे आठ मात्रा अच्छी ताले आम बहुवचन कलाबे पाने कौन करवा ना, आम जत बहुवचन शब्द करवा से जोड़ा, जेतेबेले हर्षो की मात्रा अच्छी स्त्रीलिंग शब्दर अक्षर शेषरे हर्षो की मात्रा अच्छी ताले आम बहुवचन शब्द कलाबे ए जोड़ा। स्त्रीलिंग शब्दर अक्षर शेषरे यदि दीर्घ की मात्रा अच्छी आम बहुवचन कलाबे हर्षो की मात्रा करी से ए जोड़ा। बच्चों और कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द के बाद और कुछ शब्द है जिससे नया शब्द नया कुछ विशेष शब्द जोड़कर हम उसे बहुवचन बना सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर दिया मामा, मामा का बहुवचन हमें उसके साथ एक विशेष शब्द जोड़ेंगे, मामा के साथ लोग जोड़ेंगे, तो मामा के साथ लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा मामा लोग। वैसे ही शिक्षक, शिक्षक के साथ हम वृंद जोड़ेंगे तो आएगा शिक्षक वृंद। जैसे नेता, नेता के साथ हम गण जोड़ेंगे, नेता के साथ हम गण जोड़ने से नेता गण होगा। वैसे ही लेखक, लेखक के साथ हम वर्ग जोड़ेंगे, लेखक के साथ वर्ग जोड़ने से लेखक वर्ग होगा, लेखक वर्ग। ठीक है, विद्वान, विद्वान के साथ हम जन जोड़ेंगे विद्युत जन, तो मामा के बहुवचन है मामा लोग, शिक्षक के बहुवचन है शिक्षक वृंद, नेता के बहुवचन है नेता गण, लेखक के बहुवचन है लेखक वर्ग और विद्वान के बहुवचन है विद्वत जन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखा है, तुम उसे पहचानोगे पुल्लिंग शब्द किसे किस शब्द को पुल्लिंग शब्द कहते हैं और किस शब्द को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो बच्चों बालक हम तो जानते हैं बालक पुल्लिंग शब्द है, लड़की लड़की भी जानते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अब मुझे कहो बात बात की बात पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द, हम कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों इसका भी एक ट्रिक है, बात है बात हमारा कैसा शब्द आएगा बात का, बच्चों बात का बहुवचन है बातें, तो बातें मुझे पाने अक्षर शेषरे एक मात्रा अनुस्वार थी स्त्रीलिंग शब्द अक्षर शेषरे एक मात्रा अनुस्वार थी आ ताले यही शब्द गुड़िक स्त्रीलिंग शब्द आसब अक्षर शेषरे ओ की मात्रा थी। तो पिलामने मन रख स्त्रीलिंग शब्दर अक्षर शेषरे एक मात्रा रे अनुस्वार टोपा थी एक मात्रा रे ए थी आउ न्या थी ताहले ए गुड़िक आमर स्त्रीलिंग शब्द।
शब्द कूलिंग शब्द अक्षर शेष रे अ की मात्रा थी आमे बहुवचन कला बेले बहुवचन कला बेले एक वचन जहा बहुवचन ताटा कूलिंग शब्द हम आगे ना कूलिंग शब्द अक्षर शेष रे आठ मात्रा थी आमे बहुवचन कला बेले जदि एक मात्रा हम ताहले सेटा भी हेला कूलिंग शब्द आमे एहिपरि भाबे कूलिंग सीलिंग शब्द जानि परबा। तो बच्चों यहाँ पर दिया है बात है, बात का बहुवचन क्या है बातें, तो एक ही मात्रा रे अनुस्वर रूप आसला तेणु आम जानवे सीधा हूँ स्त्रीलिंग शब्द। सेमती छुट्टी, छुट्टी का बहुवचन क्या है छुट्टियां, तो यहाँ आसला यहाँ यहाँ जो लगला से जेहेतु यहाँ लगी तेणु आम से शब्द टी जानवा स्त्रीलिंग शब्द। दीवार, दीवार का बहुवचन दीवारे एक आगे अनुस्वर रूप आसो तेणु मुझे पिले एक आगे एक आगे अनुस्वर रूप आसला मान से स्त्रीलिंग शब्द। तो दीवार है स्त्रीलिंग, कीड़ा, कीड़ा है पुलिंग शब्द कहीं कीड़ा आठ मात्रा अच्छी अक्षर शेष बहुवचन कला बेले आठ मात्रा काटिकी एक मात्रा जोड़ा तेणु कीड़े कीड़ा का बहुवचन है कीड़े तेणु कीड़ा है मैंने पुलिंग शब्द। वैसे ही भालू, भालू का बहुवचन भालू ही रहेगा तो भालू भी है पुलिंग शब्द। तारा, बच्चों तारा का बहुवचन ये तारा है तेणु सारा है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। औरत, औरत तो हम जानते हैं ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही औरत का स्त्री बहुवचन आएगा औरतें, तो एक मात्रा अनुस्वर आसला तेणु औरत स्त्रीलिंग शब्द। बच्चा, बच्चा का बहुवचन है बच्चे एक मात्रा आसला तेणु आम आसला पुलिंग शब्द। कलम, कलम का बहुवचन है कलमे एक आगे अनुस्वर रूप आसला तेणु आम कलम है स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, हम उसे कहेंगे कि पुलिंग कौन है और स्त्रीलिंग शब्द कौन है। देखो यहाँ पर आया आंख, आंख है हमारा पुलिंग शब्द या स्त्रीलिंग, कैसे पहचानेंगे बच्चों आंख का बहुवचन है। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे यह पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द, हम इनमें से कौन पुलिंग है और कौन स्त्रीलिंग शब्द है हम इसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे देखो यहाँ पर आया आंख, बच्चों आंख का बहुवचन है आंखें। तो बच्चों आंखें ये पुलिंग, आंख पुलिंग शब्द या स्त्रीलिंग, आंख है स्त्रीलिंग शब्द। आंख स्त्रीलिंग कैसा है क्योंकि उसका बहुवचन एक ही मात्रा में अनुस्वर लगता है, इसलिए हम पहचान सकते हैं कि आंख है स्त्रीलिंग शब्द। इज्जत, बच्चों इज्जत का स्त्रीलिंग है इज्जतें, तो ये भी है स्त्रीलिंग शब्द। बात, बच्चों बात का बहुवचन है बातें, इसीलिए ये भी है स्त्रीलिंग शब्द। भीख, बच्चों भीख है पुलिंग शब्द, कैसे ना भीख का एक वचन जैसा है भीख का बहुवचन भी वैसा ही रहेगा, इसीलिए भीख है पुलिंग शब्द। यहाँ आया खेत, खेत का पुलिंग शब्द है खेत, ये भी है पुलिंग शब्द, खेत का बहुवचन खेत ही रहेगा इसीलिए वो भी है पुलिंग शब्द। शरीर, शरीर का पुलिंग, शरीर भी पुलिंग शब्द है क्योंकि इसका एक वचन शरीर और उसका बहुवचन ही शरीर ही रहेगा इसीलिए वो भी पुलिंग शब्द है। एड़ासिला कहानी, बच्चों कहानी का बहुवचन है कहानिया, तो यहाँ पर यहाँ लगा है ना अक्षर के अंत में यहाँ लगा है ना या, इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। झगड़ा, झगड़ा का बहुवचन है झगड़े, क्या है झगड़े, तो झगड़ा का बहुवचन झगड़े है ना, तो आठ मात्रा को हटाकर हम एक मात्रा लगाएंगे तो झगड़ा भी है पुलिंग शब्द। तलवार, तलवार का बहुवचन है तलवारें, इसीलिए एक मात्रा में अनुस्वर लगा